Hey everyone, welcome back. ये एक न्यू वांशन फैन फिक्शन है, ए लॉन्ग टाइम लव। ये उसका पार्ट वन है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग वांशी को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है। वांशी कोई वर्क नहीं कर रहा था बल्कि वींग की तस्वीर के सामने खड़ा था और वह वींग के बारे में ही सोच रहा था और अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट उसके साथ हुए हैं उस बारे में। जब वांशी अपनी एक बिजनेस ट्रिप से आ रहा था वह एक पर्सन से मिलता है। वह पर्सन एक फॉर्च्यून टेलर थी। उस वक्त वांशी को नहीं पता था। वह पर्सन वांगजी से बोलती हैं, वह तुम्हारे दिल में आश भी है ना, तुम आज भी उससे प्यार करते हो ना। इस पर वांशी पहले उसे ध्यान से देखता है लेकिन वह समझ जाता है कि यह कहीं ना कहीं वींग की बात कर रही है। वह पर्सन बोलती हैं कि शायद अब तुम्हारा मिलना भाग्य में लिखा हो। इस पर वांशी को कहीं ना कहीं गुस्सा आता है। वांशी बोलता है कि वह मारा जा चुका है। वह अपनी मुट्ठी टाइटली बंद करता है और वहाँ से जाने लगता है। वह फॉर्च्यून टेलर बोलती है उसका जन्म हो चुका है। इस पर वांशी वहीं रुक जाता है, कुछ सोचने लगता है। जैसे ही वह फॉर्च्यून टेलर की तरफ मुड़ता है वह देखता है कि वह फॉर्च्यून टेलर तो कहीं गायब हो चुकी है। वांगजी सोचता है क्या वह अभी ये सब इमेजिन कर रहा था। वांगजी एक ट्रू ब्लड डेल्फा है और साथ में एक इमोर्टल भी। वह आज भी वैसे ही यंग और हैंडसम है लेकिन आज भी जब से वींग उसकी लाइफ से गया है मानो एक पल नहीं हो कि वांशी ने उसे याद नहीं किया हो। लेकिन अब उसे काफ़ी सारी चीज़ें वींग के होने का एहसास करा रही हैं। वांशी वींग की तस्वीर को देख रहा था। वींग, क्या तुम सही में अब जन्म ले चुके हो इस मॉडर्न टाइम में? और वो यही विश करता है कि काश ये बात सच हो। इधर हम लोग वींग को देखते हैं। वींग जन्म ले चुका है लेकिन वींग जैसे जैसे बड़ा होता है वह होता तो एक अल्फा है लेकिन साथ में वह अल्फा और ओमेगा दोनों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। वींग का जन्म जिस विलेज में हुआ था उस विलेज के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, पर यहाँ पर सभी की लाइफ एक शांति भरी लाइफ है और यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी हैं। जब वींग छोटा होता है तभी उसके अल्फा फादर की डेथ हो जाती है और वींग की परवरिश उसके ओमेगा फादर ही करते हैं। जब वींग 15 साल का होता है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो वह अपने पार्टनर को महसूस कर सकता है कि वो क्या है या वो कैसा है, जैसे कि उसकी फ्रेग्रेंस। इसके बाद हम लोग देखते हैं यह वींग 17 साल का हो चुका है और उसके फादर की डेथ भी हो चुकी है। अपने फादर की डेथ के बाद अब वींग डिसाइड करता है कि अब वह शहर में पढ़ाई करेगा। वींग अपने विलेज को छोड़कर शहर में आ जाता है जहाँ पर वह जियांग यानली और जियांग चेंग के साथ रहता है। इस वक्त हम लोग वींग को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठकर एक बुक पढ़ रहा था। वींग उस बुक को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से पढ़ रहा था कि मानो वह उस बुक में खो चुका है। वींग की सबसे बुरी हैबिट थी कि बुक पढ़ते हुए कि मानो वह उसी का पार्ट बन जाता और आसपास क्या चल रहा है उसे इस बात का होश ही नहीं रहता। जब वींग इतने ध्यान से बुक को पढ़ रहा था तभी कोई आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसके कंधे को हिलाता है और वींग को आवाज़ देता है। वींग एकदम से फ्लिंच हो जाता है। लाइब्रेरी में बैठे सभी लोग उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। वींग देखता है कि सब उन्हें देख रहे हैं। इसके बाद वींग जियांग चेंग को देखता है। जियांग चेंग, फिर वींग वहाँ से उठकर जियांग चेंग के साथ थोड़ा साइड में हो जाता है। जियांग चेंग बोलता है मेरी गलती है, मैंने तुम्हें कितनी कॉल करी लेकिन तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पढ़ते हो या अलग ही दुनिया में खो जाते हो? वींग बोलता है हाँ तो मैं लाइब्रेरी में हूँ इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ है। जियांग चेंग बोलता है इसलिए तुम्हें बुलाने आ गया, अब चलो। वींग अपना सामान रखता है और जियांग चेंग के साथ जाने लगता है और जैसे ही वींग जाने लगता है तभी उसकी नज़र फिर से एक बुक पर जाती है। वींग बोलता है वेट और वह जियांग चेंग का हाथ पकड़ लेता है। वींग उस बुक को लेता है। जियांग चेंग अपनी आंखें घुमाता है। वींग स्लाइटली जियांग चेंग को हिट करता है। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद जियांग चेंग वींग से बोलता है शिजी और बाकी सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन घर से ज़्यादा तो तुम लाइब्रेरी में रहते हो। इस पर वींग कोई आंसर नहीं करता और सिर्फ उसे स्माइल कर दिखाता है और वहाँ से चलने लगता है। दोनों एक कैफ़े में जाते हैं जहाँ पर जियांग यानली, वेंचिंग वैनिंग और नीहो सेंग थे। जियांग यानली और वेंचिंग दोनों ही अल्फा हैं, जियांग चेंग बीटा और नीहो सेंग और वैनिंग दोनों ही ओमेगा हैं। यानली बोलती है आहिंग इतना लेट, इतना टाइम मत लगाया करो।
फिंग बोलता है, सॉरी शिजे, मैंने ध्यान नहीं दिया टाइम का। जियांगशेंग बोलता है, वो तो मैं ले आया, वरना रात भर रुकने का वही प्लान था। फिंग इस पर जियांगशेंग की तरफ मुंह बनाकर देखता है। निहोसेंग उस किताब को देखता है जो कि विंग ने ले रखी थी। निहोसेंग बोलता है, ये स्टोरी? फिंग बोलता है, हाँ मुझे थोड़े देखने में इंटरेस्टिंग लगी। शानली बोलती है, क्या ये भी सैड लव स्टोरी है? फिर वह उन सभी को देखकर बोलती है, मुझे तो समझ नहीं आता कि विंग को इतना सैड लव स्टोरी क्यों पसंद है। तुम्हें पता है, अभी हाल ही में पढ़ी गई मैंने इसकी बुक्स को देखा, ठीक है, जिसने यहाँ पर पढ़ी है। एक में लड़की मर गई, दूसरे में लड़का मर गया, तीसरी बुक में दोनों मर गए, फोर्थ बुक में एक अल्फा लड़की की स्टोरी है, वह भी मारी जाती है, पांचवी बुक में एक अल्फा लड़की की स्टोरी है, वह भी मारी जाती है, सिक्स्थ बुक में फिर से लव स्टोरी में लड़का मारा जाता है। वेंचिंग बोलते हैं, वाओ, लेकिन तुम्हें ऐसी स्टोरीज इतनी क्यों पसंद है? इस पर विंग कोई आंसर नहीं करता, सिर्फ अपने कंधों को श्रक करते हैं, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि आखिर उसे ये क्यों पसंद है। वेंचिंग उस बुक को देखता है, ये तो एक अल्फा अल्फा की स्टोरी है। वेंचिंग बोलती है, वैसे भी अल्फा और ओमेगा का पेयर होता है, अल्फा अल्फा का पेयर पॉसिबल है क्या इस तरह से? क्योंकि बच्चे भी नहीं हो सकते। इस पर विंग का मूड एकदम से ख़राब हो जाता है। विंग बोलता है, तो फिर क्या, अल्फा अल्फा के बीच प्यार नहीं हो सकता, मतलब मैं एक अल्फा हूँ और अगर मुझे किसी अल्फा से प्यार हो जाए तो मैं उससे शादी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि सिर्फ बच्चे नहीं होने के। ये सब बोलते हुए विंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था और सभी लोग विंग को देख रहे थे, क्योंकि विंग नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है, लेकिन जिस तरह से विंग ने रिएक्ट करा इस पर वेंचिंग भी हैरान थी, क्योंकि वेंचिंग सोच रही थी, मैंने तो उसे बोला था ऐसे। यानली बोलती है, आइंग शांत हो जाओ, वेंचिंग का मतलब ये नहीं था, हमें भी पता है कि प्यार तो किसी से भी हो सकता है। निहोसेंग विंग को टीज करते हुए बोलता है, ब्रदर वे, कहीं आपको किसी अल्फा से तो प्यार नहीं है? विंग बोलता है, और क्यों नहीं हो सकता? जियांगशेंग विंग को देखता है, तुम्हें प्यार कब हुआ और ये कौन अल्फा है? विंग अपनी आंखें घुमाता है, अभी नहीं हुआ। इसके बाद यानली टॉपिक चेंज करते हुए बोलती है, बस वैसे आइंग, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। निहोसेंग बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम हमारे साथ पढ़ाई करोगे। विंग बोलता है, थैंक यू, और इसी बात पर जियांगशेंग सभी को अपनी तरफ से ट्रीट देगा। जियांगशेंग बोलता है, मैं? यानली बोलती है, आ चेंग, दे दो ना। विंग बोलता है, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। जियांगशेंग अपनी आंखें घुमाता है लेकिन मान जाता है। विंग इन तीनों से जियांगशेंग और जियांग यानली के थ्रू ही मिला है। इस दौरान वांगशी ने पता लगाने की कोशिश करी कि अगर विंग जन्म ले चुका है तो आखिर वह कहाँ है, और क्या सच में विंग जन्म ले चुका है, बट उसे अभी तो कुछ भी पता नहीं चला। वांगशी अपने लैपटॉप पर वर्क कर रहा था तभी दरवाजे पर नोक होती है। वांगशी देखता है कि वहाँ पर युआन खड़ा है। युआन बोलता है, फादर, आपने कहा था कि आप मेरे साथ समय बिताओगे, लेकिन आप हमेशा बिजी रहते हो। वांगशी बोलता है, बस अभी। इसके बाद युआन जाकर वांगशी के बराबर में ही बैठ जाता है। युआन अपने फादर से बोलता है, फादर, मैं फिर से कॉलेज जा रहा हूँ। वांगशी बोलता है, अच्छी बात है। युआन उनकी तरफ देखता है। युआन बोलता है, फादर, एक बात बताओ, आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है क्या, मेरी कॉलेज डिग्री इकट्ठा कर? इतनी सारी तो हो चुकी हैं। वांगशी युआन के बालों में अपना हाथ फहराता है, अगर तुम नई चीज़ें सीख लोगे तो अच्छी बात है। युआन तरह तरह के मुंह बनाकर वांगशी को दिखाता है, ठीक है ठीक है। वांगशी युआन के सर में स्लाइटली हिक करता है। युआन मुंह बनाता है, दर्द हो रहा है। वांगशी देखता है कि उसका सन कितना बड़ा ड्रामेबाज है। इसके बाद युआन वहाँ से चला जाता है। वांगशी युआन को जाते हुए देख रहा था। वांगजी सोचता है, काश विंग तुम भी होते और देखते कि युआन इस तरह से बिल्कुल तुम्हारी परछाई बन रहा है। विंग को देखते हैं जो कि यानली को सलाह दे रहा था। सिंपल है शिजे, अगर घर पर ऐसे मेहमान आए जिन्हें हम नहीं चाहते कि वह दोबारा कभी आए, तो उनकी चाय में मिर्च मिला दो। यानली विंग को स्लाइटली हिक करती है। विंग, तुम क्या क्या सोच सकते हो? विंग बोलता है, मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। यानली की आंखें बड़ी हो जाती हैं।
यिंग बोलता है, इसमें हैरानी क्या शिजे, जैसा मेहमान वैसी खातिरदारी। ह्यानली बोलती है, मैं सोच रही हूँ क्या होगा तुम्हारे होने वाले पार्टनर का। फिंग बोलता है, इसमें सोचना क्या है शिजे, खाना तो उसे सलाद ही है और उबला हुआ खाना, तो ककड़ी और खीरे काट कर दे दूँगा। ह्यानली रिंग के फोरहेड पर स्लाइटली हिट करती है, पागल। फिंग बोलता है, क्या शिजे, इसमें मेरी क्या गलती। इसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है, तभी ह्यानली विंग को रोक लेती है। विंग बोलता है, हाँ शिजे। ह्यानली विंग से बोलती है, क्या तुम अपने पार्टनर से मिल चुके हो आइंग। विंग कंफ्यूज होकर ह्यानली को देखता है। ह्यानली बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा पार्टनर एक एल्फा है, या फिर वह सिर्फ सलाद खाएगा या उबला हुआ खाना। और उस दिन तुमने कहा था, हो सकता है तुम्हारे पार्टनर की फ्रेग्रेंस चंदन की हो, लेकिन तुम ये बातें इतना कंफर्म होकर कैसे कहते हो। इस पर भी ह्यानली को कोई आंसर नहीं करता, सिर्फ स्माइल करता है और अपने कंधे को श्रक कर वहाँ से चला जाता है। फिंग अपने रूम में वही एल्फा एल्फा की लव स्टोरी पढ़ रहा था। फिंग उस जगह पर खुद को रख रहा था। फिंग सोचता है कि उसके दिल का एक हिस्सा बहुत अच्छे से प्यार पर विश्वास करता है, लेकिन दूसरा हिस्सा उसे उस तरफ जाने से कहीं ना कहीं रोकता है, जैसे ही वो खुद को खींच रहा हो कि ये चीज़ें सही नहीं है। अब विंग के कॉलेज का पहला दिन आ जाता है। ह्यानली विंग से बोलती है, हाइंग अपना ध्यान रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं उसको बुरी तरह से पीक कराऊंगी जो तुम्हें परेशान करेगा। फिंग ह्यानली की तरफ हंसकर दिखाता है, ओके मामा। फिंग जियांग चेंग के साथ कॉलेज पहुंचता है, वहाँ पर उसे वेन चिंग, वेन निंग और निहू सेंग भी मिलते हैं। निहू सेंग बोलता है, वाओ विंग, तुम हमसे छोटे हो लेकिन हमारे साथ ही पढ़ाई करोगे। वेन चिंग बोलती है, उसके लिए दिमाग चाहिए, एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे इस एज में तुम्हारे पास है नहीं दिमाग। सभी लोग हंसने लगते हैं। निहू सेंग वेन चिंग को देखता है, क्या करूँ, तुम जैसे लोगों से दोस्ती होगी तो थोड़ा असर तो आएगा पागल दोस्तों का। वेन चिंग बोलती है, क्या कहा तुमने। निहू सेंग बोलता है, जो तुमने सुना। विंग बोलता है, बस करो। वेन निंग बोलता है, ये दोनों पागल है, आप इन्हें छोड़िए ब्रदर वे। विंग बोलता है, तुम सभी को ऐसे कंटिन्यू करना है तो करते रहो, मुझे अपनी क्लास में जाना होगा, मेरी क्लास शुरू ही होने वाली है, बाय। विंग अपनी क्लासरूम के बाहर पहुँचता है, उसे अपना क्लासरूम ढूंढने में टाइम लग गया, जिसकी वजह से वह लेट हो जाता है। क्लास में सभी बच्चे अपने आप को इंट्रोड्यूस करा चुके थे। विंग अंदर आने की परमिशन मांगता है, उसके टीचर विंग को देख रहे थे, पहले दिन और उसी दिन लेट। विंग सॉरी बोलता है कि मुझे क्लासरूम नहीं मिला था। उसके बाद उसके टीचर विंग को अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद उसके टीचर विंग से बोलते हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ, केवल अब तुम ही रह गए हो क्योंकि तुम लेट हो। विंग अपना इंट्रोडक्शन देता है, वह अपना नाम बताता है और बताता है कि वह कहाँ से आया है। युआन भी उसी क्लास में था। युआन ने अपना फेस नीचे कर रखा था। जैसे ही वह विंग का नाम सुनता है, वह विंग की तरफ देखता है और वह बिल्कुल हैरान हो जाता है। युआन सोचता है, ये तो बिल्कुल श्यान बाबा की तरह है और इनका नाम भी उन्हीं के नाम जैसा है। युआन ने विंग की तस्वीर देख रखी थी और वांगची ने उसे बताया था कि उसे जन्म देने वाला विंग ही है। युआन सोचता है, क्या ये बाबा का रीइंकार्नेशन है, क्या ये बाबा ही हैं। इसके बाद टीचर विंग को युआन के बराबर में जो सीट होती है वहाँ पर बैठने के लिए बोल देते हैं। विंग जाकर वहाँ पर बैठता है। विंग युआन की तरफ हाई करता है, लेकिन विंग को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि युआन बस उसे देखे जा रहा था। विंग सोचता है, इसे क्या हुआ। विंग अपने हाथ को युआन के फेस के आगे फहराता है। युआन होश में आता है, सॉरी मैं कुछ सोच रहा था। विंग सोचता है, कितना अजीब है, और वह अब टीचर की बात पर ध्यान देने लगता है। युआन बार बार विंग को देख रहा था और विंग के बारे में ही सोच रहा था। जब क्लास ख़त्म हो जाती है और विंग जाने लगता है, युआन विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग मुड़कर युआन को देखता है और फिर दोनों के हाथ को, युआन उसका हाथ छोड़ देता है, अपने हाथ को अपनी नेक के पीछे ले जाता है और नर्वस होकर विंग को देख रहा होता है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। विंग युआन को देखता है, ओके लेकिन इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो। विंग युआन की आंखें देखता है,
फिंग को यौन की आंखें कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं, लेकिन विंग फिर इस बात को ज़्यादा नहीं सोचता। अब विंग इन चारों के साथ कैंटीन में बैठा हुआ था, लेकिन विंग अभी भी यौन के बारे में ही सोच रहा था। तभी वेन्नी विंग को पकड़कर हल्का सा हिलाता है। ब्रदर वे, आप कहाँ खो गए? विंग होश में आते हैं, अरे कहीं नहीं। फेंचिंग विंग से बोलती है, विंग तुम बताओ ना, मैं सुंदर हूँ ना? न्यूसेंग हंसने लगता है। वेंचिंग, अभी हमने बताया ना, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे क्रिमिनल बोले मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन वो होता है नहीं। फेंचिंग बोलते हैं, हाँ सिस्टर, जैसे तुम्हारे पास दिमाग है नहीं। फेंचिंग उन दोनों को गुस्से में देखती है। चियांगचेंग सोचता है, ये सभी बच्चों की तरह हैं। इसके बाद फेंचिंग बोलती है, तुम्हें नहीं पता, तुमने पढ़ा नहीं क्या, अल्फा लड़कियाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। विंग बोलते हैं, वेंचिंग हर बहने वाली चीज़ नदी नहीं होती, कुछ नाले भी होते हैं। ये सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। न्यूसेंग बोलता है, विंग ये बात सही कही। वेंचिंग बोलती है, तुम सब बहुत बुरे हो। इसके बाद वेंचिंग बोलता है, ब्रदर वे मैंने आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा था। विंग बोलता है, ओके तुम मुझे अपनी आईडी दो, मैं अभी भेज देता हूँ। वेंचिंग अपनी आईडी विंग को देता है। विंग बोलता है, तुमने अपनी आईडी शैडो नाम से बना रखी है। फेंचिंग बोलता है, हाँ लेकिन ना मुझे एक नाम और भी बहुत अच्छा लगा। विंग बोलता है, अच्छा कौन सा? फेंचिंग बोलता है, मुझे वो दो तीन दिन से काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था लेकिन मैं भूल गया वो नाम क्या था। ये सुनने के बाद विंग फेंचिंग को देख रहे होते हैं। विंग बोलता है, इतना पसंद आया कि भूल गए, आखिर नाम था क्या? फेंचिंग की इस बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। जियांगचेंग बोलता है, ये सभी एक जैसे हैं। विंग बोलता है, इन सभी को लाइन से पागलखाने भेजो। न्यूसेंग बोलता है, हाँ सबसे पहले तुम ही खड़े रहना। ह्यूआन बाकी की क्लासेस अटेंड नहीं करता और सीधा घर जाने की जगह वांगची के पास चला जाता है। ह्यूआन वांगची के ऑफिस में एंट्री करता है। वांगची ह्यूआन को देखता है। ह्यूआन बोलता है, फादर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वांगची बोलता है, क्या हुआ? ह्यूआन बोलता है, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मेरी क्लास में एक स्टूडेंट आया है। वांगची बोलता है, तो? ह्यूआन बोलता है, वो बिल्कुल मदर की तरह है। ये सुनते ही वांगची एक पल के लिए ऐसे ही हैरान रह जाता है। इसके बाद वांगची उठकर वहाँ से जाने लगता है। ह्यूआन वांगची का हाथ पकड़कर रोक लेता है। फादर अगर आप ऐसे जाओगे तो वो डर नहीं जाएंगे? वांगची इस बात को समझता था लेकिन वह और इंतज़ार नहीं करना चाहता था, सदियों का इंतज़ार हो चुका है। ह्यूआन बोलता है, मैं आपको समझता हूँ लेकिन आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए कि वो डर जाएं। क्यों ना आप कल उनसे मिल लेना। फ्रेंक्स जिन्हें कन्फ्यूज़न है कि वांगची और विंग के बीच क्या चल रहा है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि आखिर इस स्टोरी में क्या है, तो आप उसे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।